पंचम काल में सबसे पावन व्रतों में सो रहे कर्ण भावनाओं को लिया गया है, जिसकी सबसे पहली भावना का नाम था दर्शन विशुद्धि। जब तक हमारे अंदर दर्शन के भाव नहीं होंगे, तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले वह माँ के दर्शन करता है। माँ के दर्शन करते ही वह बच्चा मातृभाषा सीख जाता है। एक बच्चा आँख खोलते ही माँ को देखता है, वह मातृभाषा सीख जाता है। जैन आगम कहता है, जो पहली बार भगवान को देखता है, वह जिनेंद्र भगवान की वाणी अपने आप सीख जाया करता है, क्योंकि वहाँ माँ है, यह महात्मा है। और जो महात्मा की वाणी को सीख जाता है, कल वही परमात्मा हो जाया करता है। दर्श विशुद्धि, ऐसी विशुद्धि होना चाहिए जैसी विशुद्धि सौदर्भेंद्र को हुआ करती है। ऐसी विशुद्धि होती है सौदर्भेंद्र को, उसे पता चलता है कि तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। वह अपने स्वर्ग के आसन को छोड़ के आ जाता है और इतना पागल हो जाता है, प्रसूति घर में जाने को तैयार हो जाता है। वहां सेविकाएं कहती हैं, आप कौन हैं? वो कहता, मैं सौदर्भेंद्र हूं। वहां की सेविकाएं कहती हैं, आप सौदर्भेंद्र होने के बाद आपको इतना विवेक नहीं कि प्रसूति घर में पुरुषों का प्रवेश वर्जित है? इतना पागल हो जाता है। वह सचिंद्राणी को भेजता है और सचिंद्राणी को भेजने के बाद जब वह सचिंद्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर के आती है, उसी समय वह सौदर्भेंद्र कहता है, हे सचिन, एक बार तीर्थंकर बालक का दर्शन करा दो। हाथ जोड़ता है और जैसे ही वह सचिंद्राणी तीर्थंकर बालक सौदर्भेंद्र के हाथों में देती है, वह सौदर्भेंद्र तीर्थंकर बालक को दो नयनों से नहीं, पूरे शरीर में 1008 नयन बना करके तीर्थंकर बालक को देता है। फिर भी वह तृप्त नहीं हो पाता है, तांडव नृत्य करता है। ये कौन कह रहा है? जैन आगम कहता है, जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदामेस्तु 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 भवे भवे जिन धर्म विनुर्मुक्तो मां भवे चक्रवर्त्यपि स्याचेष्टोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवासिता। हे भगवान, एक बार मुझे गरीब के घर में पैदा कर देना, एक बार मुझे गरीब कर देना। मुझे वो चक्रवर्ती का पद नहीं चाहिए, राजा महाराजा का पद नहीं चाहिए, जिस पद को पाने के बाद हमारा जिन धर्म छूट जाए। मां भवे चक्रवर्त्यपि दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशन अध्या भव सफलता नयनद्वयस्य। हे प्रभु, आज मेरे दोनों नयन सफल हो गए। हम यही तो कहते हैं, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवत में। हे प्रभु, आप तो हमारे नयनों में आके विराजमान हो जाओ। हे वीर, तुम्हारे द्वारे पर एक दर्श भिखारी आया है, प्रभु दर्शन भिक्षा पाने को दो नयन कटोरे लाया है। कितनी सारी भावनाएं हमारे जैन आगम में दर्शन के लिए लिखी हैं, लेकिन हम इतने सौभाग्यशाली हैं, मुंबई में आए थे पैसा कमाने के लिए। एक ही भावना थी, हमारे तरुण भाई ने बताया कि जब मैं आया था 500 रुपए लेके आया था। सोचिए, तो जैन आचार्य कह रहे हैं कि जब आप वहां से निकले थे, सिर्फ एक ही भाव लेके मुंबई आए थे कि बस मुझे यहाँ पैसा कमाना है, लेकिन तुम्हारा पुण्य इतना बढ़ता चला गया कि पैसे के साथ साथ तुम्हें परमात्मा के दर्शन होने लगे। कितना पुण्य बड़ा, सोचिए। आज पैसा पाना बहुत आसान है, लेकिन परमात्मा के दर्शन पाना मुश्किल काम हुआ करता है। और परमात्मा के दर्शन के साथ साथ संत के दर्शन पाना मुंबई में और ज्यादा मुश्किल हुआ करता है। अगर यहाँ मंदिर होता, संत निवास नहीं होता, आप मुझे कहाँ रोकते? रोशन लाल की दुकान में
कहाँ रुकते बताइए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, अभी जो तरुण भाई जो बना रहे हैं, हम तो कहते मंदिर छोटा हो, संत निवास बड़ा होना चाहिए। मंदिर जब बनता है तो मंदिर में सुबह भीड़ रहती है, और संत निवास बनता है, संत आता है तो सुबह भीड़, 24 घंटे भीड़, वैयावृत्ति के समय भीड़, आहार के समय भीड़, दोपहर में स्वाध्याय के समय भीड़, जहां संत बैठ जाता है वहां तो हर दिन दीपावली जैसा माहौल हो जाया करता है। दर्शन का इतना बड़ा प्रभाव सोचिए, जहां जहां पर तरुण सागर जी महाराज प्रवचन करते थे वहां हिंदू समाज के लोग जमीन की मिट्टी उठाते थे और पॉकेट में रख कर के लेके जाते थे कि आज मुझे धरती के नैसर्ग भगवान के दर्शन हुए हैं। इतना बड़ा प्रभाव दर्शन का बताया, कुछ मत करो, भगवान के सामने हाथ जोड़ के आ जाओ। पूजा नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, इतना करिए एक बार जिनेंद्र भगवान के दर्शन करो, लेकिन टीवी वाले मत करना। सुबह से खुलते शांति धारा देख लेते हैं, सुबह देखते प्रवचन सुन लेते हैं, उसकी फीलिंग और सामने की फीलिंग में जमीन आसमान का अंतर होता है। आप कितने भी टीवी की प्रवचन सुनो उतना आनंद नहीं आता है जितना आप सामने बैठ कर के सुनते हो, उसका आनंद अलग आता है, क्योंकि टीवी और साक्षात भगवान के दर्शन में इतना ही अंतर हुआ करता है। वह टीवी के दर्शन एक सूखे फूल की तरह हुआ करते हैं, सूखे सूखे हुआ करते हैं, लेकिन जब परमात्मा के दर्शन करते हैं तब जाके मन आनंदित और हरा भरा हो जाया करता है। याद करो सौदर इंद्र, प्रतिष्ठा में हम क्यों बनते हैं, इसीलिए बनते हैं कि इस इंद्र बनने के बाद हमें सबसे पहले तीर्थंकर बालक का दर्शन करूंगा, इसीलिए हम लाखों की करोड़ों की बोली लेते हैं, क्यों एक बार तीर्थंकर बालक के दर्शन हो जाए। सोचिए उसके सामने पैसा भी फीका पड़ जाता है, तीन लोग के नाथ हैं, तीन लोग की संपदा जिनके पास है। दूसरी भावना में कहते हैं विनय संपन्नता, विनय करना सीखिए। आप मंदिर में अभिषेक तो करते हो, मार्जन करते करते कई ऐसे श्रावक हैं भगवान का मार्जन करते हैं गर्दन पकड़ के पहुंचते हैं, बाहरी विनय संपन्न था अभी ये तो बहुत करते हैं। कैसी विनय करना, जैन आचार्य कहते हैं कि जब भगवान का अभिषेक करें अभिषेक में भले ही बाद में नंबर आए, ने पूरी विनय के साथ आत्मीयता के साथ सिर को ढक करके हाथों को धो करके जब भी मंदिर में प्रवेश करें पूरे पैर धो करके, आगे आगे तक के पैर धुल जाते हैं, पीछे के पैर बिल्कुल नहीं धुलते हैं। यदि पैर धोने के बाद चार कदम आगे चलो, जमीन यदि गंदी हो रही है इसका मतलब पैर अच्छे से नहीं धुले हैं। विनय संपन्नता का गुण है, ऐसा जैन आगम में कहा जाता है। यदि बिना धुले मंदिर में हम जाएंगे, बिना धोने पैर लेके मंदिर में जाएंगे तो जैन आचार्य कहते हैं उनको चर्म रोग की शिकायत हो जाती है, और जो बिना धुले मंदिर में कपड़े पहन के अभिषेक करता है टच हो जाता है। कई स्कूटर पे आके अभिषेक करते हैं, स्कूटर पे बैठे धोती दुपट्टा पहन करके यहाँ पे आके अभिषेक किया, बहुत बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है, ना जाने कितने सारे असंख्यात जीवों का मरण हुआ होगा। कभी भी दिगंबर साधु को आहार दान भी स्कूटर पे आकर के मत देना, बहुत बड़ा अपराध है। कम करो काम, लेकिन काम कैसे करो, पूरी विनय के साथ। एक पूजा करो लेकिन कैसे करो, विनय के साथ। दूसरी भावना का नाम विनय के साथ संपन्न हो जाओ। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं प्रवचन सार के अंदर, विनयो मुख द्वारो, यदि आपको कुछ नहीं आता हो, एक अक्षर का भी आपको ज्ञान नहीं है, लेकिन यदि आपको विनय गुण है तो नियम से आप संयम को धारण करके निर्वाण को प्राप्त कर सकते हो। आपने सुना होगा एक ऐसे आचार्य हुए शिवभूति मुंडाज को कुछ नहीं आता, भूल गए, याद तो था लेकिन ऐसा ज्ञानावणी कर्म का अंतराय आया, याद किया हुआ सब भूल गए। उन्होंने नियम लिया, जो मैंने याद किया है मैं भूल गया हूँ, जब तक याद नहीं आएगा मेरे चारों प्रकार के आहार का त्याग। सुबह सुबह प्रातः काल की बेला में नदी के किनारे महिलाएं
उड़द की दाल को साफ, उड़द को साफ कर रही थी, छिलका अलग कर रही थी, दाल दाल अलग कर रही थी। शिवभूति मुनराज उसे देख रहे थे, ये छिलका अलग कर रही है, दाल अलग कर रही है, फिर छिलका अलग कर रही है, फिर दाल अलग कर रही है। और उसी समय उनके अंदर भेद ज्ञान पैदा हो गया, उनके मुंह से निकला तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम, तुष अलग है और छिलका अलग है, दाल अलग है। इसी समय उनके अंदर भाव पैदा हुआ, जिस प्रकार से छिलका अलग है, दाल अलग है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है, इतना भावना होते ही वो आत्मा के कल्याण की ओर अग्रसर हो गए। इतना भी ज्ञान हो जाए, जैन आगम में कहते हैं कुछ पढ़ो नहीं, अष्ट प्रवचन मात्रिका का आपको ज्ञान होना चाहिए। अष्ट प्रवचन मात्रिका में कौन, पांच समिति और तीन गुप्ती। पांच समिति में एरिया समिति, नीचे देख के चलो, जहां प्रवचन हो रहा हो आसन बिछा हो एकदम मत बैठना, क्या पता नीचे चीटियां हो। एरिया समिति देख करके चलो, नीचे देख के चलो। भाषा समिति, मंदिर में आके कैसी भाषा बोलो, हित मित और प्रिय, कठोर भाषा मत बोलो जिससे एक श्रावक मंदिर से दूर हो जाए। भाषा ईश्वर समिति, देख करके काम करो, जैसे दिगंबर संत देख करके आहार ग्रहण करता है, कोई कितनी भी भीड़ खड़ी हो कोई ध्यान नहीं भीड़ पर, सिर्फ अंजलि पर ध्यान होता है। ईश्वर समिति, एक साधु को आहार में अंतराय हो जाता है, इतने सालों से आप भोजन कर रहे हो कभी अंतराय आया, आया भी होगा तो ईश्वर समिति। आता निक्षेपण समिति, साधु के हाथ में पीछी होती है, वह पीछी का मार्जन करके जिनवाणी को के पेज पलटता है, कोई भी सामान रखता है तो आदान निक्षेपण समिति। और पांचवी समिति का नाम होता है व्युत्सर्ग समिति, कहीं पर वह मतलब उसको खकार भी करता है तो वह देखता है कि गंदगी तो नहीं है, मल छेपड़ भी करता है तो वहाँ देखता है कहीं गड्ढे तो नहीं है। इस प्रकार से पांच समिति और तीन गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती का पालन करता है। इतना ज्ञान यदि किसी को हो जाए वह नियम से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो दर्श विशुद्धि के साथ विनय करना सीखिए। यदि कोई साधु बैठा हो तो साधु को बैठने के बाद हम वहां पर इंतजार करें कि साधु का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, लेकिन आप बड़े बड़े आचार्यों के पास जाते हो जोर से चिल्ला तो नमस्ते आचार्य श्री, मुंबई से आया हो, आए तो क्या कर ले भैया, विनय के साथ। मैं भी पहली बार आचार्य विद्यासागर जी के पास सागर में गया था, ब्रह्मचारी अवस्था में था, मुझे जाना था दुर्ग भिलाई, लोगों ने कहा दर्शन नहीं देते हैं आचार्य श्री, मैंने कहा भैया कैसे नहीं देते हैं, मैं भी त्यागी वृत्ति, वो भी त्यागी वृत्ति, मैं ब्रह्मचारी, जैसे तैसे मैंने सेटिंग करके ऊपर तक पहुँचा दूसरे माले पर। वहाँ पहुँचा प्रातःकाल की बेला में, मैंने पूरी विनय की, वहाँ जाके मैंने तीन भक्ति पढ़ी, सिद्ध भक्ति पढ़ी, श्रुत भक्ति पढ़ी और आचार्य भक्ति पढ़ी और कायोसर किया। कहते हैं आचार्य श्री नहीं देखते हैं, जब कायोसर करोगे तभी तो देखेंगे, आप उन्हें देखते हो तो उनको लगता पहले तुम देख लो। मैंने जैसे कायोसर किया, कायोसर करने के बाद पूछा आचार्य श्री आपका रत्नत्र कैसा है, इतना अगर पूछोगे उत्तर मिलेगा कि नहीं, इतना पूछी आचार्य श्री आपका रत्नत्रय कैसा है। तुरंत मैंने पूछा आपका रत्नत्रय कैसा है, मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया, कहाँ से आए हो, मैंने कहा आचार्य श्री यहाँ से आया हूँ, आशीर्वाद दो कि अभी मैं सफ़ेद ड्रेस में आया हूँ, अगले बार पीछी और कमंडल के साथ मैं आऊँ, अपने जीवन का कल्याण कर सकूँ। जैसे आप साधु की इज्जत करते हो, साधु भी आपकी इज्जत का ध्यान रखता है, जब भी आपको बुलाता है तो जी लगा के बुला, आओ रोशन लाल जी, आओ हीरा लाल जी, या जी लगाने की क्या जरूरत है रोशन, इधर आ, नहीं। विनय गुण, भाषा समिति, क्योंकि इनके छोटे छोटे बच्चे क्या देखेंगे, अरे महाराज जी कैसे बोलते हैं बताओ। ये है विनय गुण जीवन में हमेशा, आज विनय गुण अगर है नियम से तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो सकता है। आज के दिन एक ही सूत्र अपने अंदर बना के रखना कि जीवन में हम कभी जिनवाणी की, जिनेंद्र भगवान की, गुरु की अविनय नहीं करेंगे।
एक नियम अपने अंदर बनाइए, ये कुंद कुंद आचार बने कैसे, विनय के प्रभाव से बने। जब वो जंगल में जाते थे गाय चराने के लिए, एक ही भाव रखते थे कि मैं साधु को क्या दे सकता हूँ। ऐसा पुण्योदय आया, आम के कोटर में एक ग्रंथ ताड़ पत्र पर लिखा हुआ उन्हें मिला, कौंडिल्य ग्वाल की पर्याय में। उन्होंने कहा, हे भगवान, विनय करते हुए हे भगवान मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। कौंडिल्य ग्वाल ने कहा, मैं कुछ देना चाहता हूँ। दिगंबर संत ने कहा, हे ग्वाल, मैं तो आहार भी नहीं ले सकता हूँ तुमसे, आभाय दान की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि आप कोई ग्रंथ को किसी से लिखवा सको। उसी समय कौंडिल्य ग्वाल ने कहा, भगवान आज मेरे पुण्य का उदय आया है, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। दिगंबर संत ने कहा, क्या देना चाहते हो? उसी समय कौंडिल्य ग्वाल ने वह ताड़ पत्र पर लिखा हुआ ग्रंथ संत के सामने भेंट कर दिया। संत ने जैसे उन पेज को पलटना चालू किया, मुस्कुराए, आनंदित हुए, प्रसन्न चित्त हुए। उसी समय एक दिगंबर संत ने कौंडिल्य ग्वाल को आशीर्वाद दिया, हे कौंडिल्य ग्वाल, आज तू अनपढ़ है, लेकिन आज तूने संत को एक ज्ञान दान दिया है, शास्त्र दान दिया है, मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आने वाले समय में तेरे द्वारा ग्रंथ लिखे जाएंगे और सारी दुनिया तुझे कुंद कुंद भगवान कह के पुकारेगी। क्या पता कब किसको देने से क्या फल मिल जाए, पूरी विनय का फल है। आपको कुछ देना हो ना देना हो, मैं तो कहता हूँ आप तो विनय गुण दीजिए। जिनवाणी जब स्वाध्याय करें तो कभी पूरी तरीके से जिनवाणी को फोल्ड मत करो। पूजन करने के बाद जिनवाणी के अंदर जो भी चावल चढ़ गए हैं उसको निकाल करके अलग कर दो, नहीं तो पूरी जिनवाणी खराब हो जाए। मंदिर में जाओ, अभिषेक करते समय पूरी विनय के साथ एक एक मूर्ति को, जैसे स्वधर्मेंद्र बालक को तीर्थंकर मूर्ति को लेकर आनंदित होता है, अपन भी एक एक मूर्ति को लेकर आनंदित हों, प्रसन्न चित्त हों, तो ही विनय संपन्नता के साथ आप संपन्न हो सकते हैं। जीवन में पैसों से संपन्न होना बहुत आसान है, लेकिन विनय से जो संपन्न हो जाया करता है वो नियम से अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। तो जीवन में 16 कर्ण भावना में दूसरी भावना का नाम क्या है? विनय। आज से अपने अंदर भावना बनाएं, मुझे विनय करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, समाज की आत्मा का कल्याण होगा। तो जीवन एक ही सूत्र अपने अंदर बनाएं, विनय।